हेलो एवरीवन वेलकम टू स्प्रिंट यूपीएससी वी आर डिस्कसिंग क्लास इलेवेंस एन सी आर टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड वी आर ऑन चैप्टर नाइन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट सो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर और उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ सो so, देखिए बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ले चुके हैं आप पहले सेशंस में ऑलरेडी लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने देखा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे कर सकते हैं ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं लेकिन एक कुछ एक चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको अमेंड नहीं किया जा सकता जिनको चेंज नहीं किया जा सकता उसी को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में हम ये जो लास्ट uh, टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशरी और मेचोरिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप ये हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे सो so, देखिए जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के एवोल्यूशन की बात करते हैं ना कि अब तक कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एवाल्व हुआ है Uh, एक ऐसी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका सबसे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रहा है यानी कि एक ऐसी चीज़ है जो अब तक चेंज नहीं हुई है दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर अब बेसिक स्ट्रक्चर से आपको क्या मतलब पता चल रहा है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी चीज़ का बेसिक ढांचा है ना जो कि वो चीज़ डिफाइन करता हो उसी तरह से अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट uh, में देखें तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कुछ बेसिक चीज़ें हैं हमारे संविधान की जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देती हैं हमारी सोसाइटी के बारे में या फिर हमारी कंट्री के बारे में क्यार ये ऐसा है यानी कि डेमोक्रेसी है यानी कि एक देश इस तरह से रूल करता होगा रन करता होगा है ना तो वही होता है बेसिक स्ट्रक्चर तो जुडिशरी ने अपनी फेमस थ्योरी दी थी बेसिक स्ट्रक्चर की केशवानंद भारती केस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है इस केस में जुडिशरी ने बताया था ये बेसिक स्ट्रक्चर ये जो रूलिंग थी इसने इवोल्यूशन दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन वेरी मैनी वेज सो इसने देखो कुछ स्पेसिफिक लिमिट सेट की कॉन्स्टिट्यूशन के पावर पे के पार्लियामेंट uh, के पावर पे कि पार्लियामेंट क्या क्या चीज़ें अमेंड कर सकती है है ना इसका मतलब इसने कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि भाई ये कुछ चीज़ें हैं दीज आर इम्पोर्टेंट डोंट टच दैम ओके अदरवाइज यू कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपार्ट फ्रॉम दिस सो ये कहते हैं कि नो अमेंडमेंट्स कैन वॉयलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसका मतलब पार्लियामेंट को कई हद तक कुछ चीजें अलाउ कर रहे हैं कि वो उन चीजों को अमेंड कर सकते हैं है ना और बट कुछ लिमिटेशन सेट कर दिए ठीक है तो यू कैन से लिमिटेशन ऑन द पार्लियामेंटेरियंस और ऑन द लेजिस्लेटर्स अब इसका मतलब क्या हुआ ये कौन डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर कौन है तो फाइनल अथॉरिटी किसके हाथ में आ गई फाइनल अथॉरिटी आ गई सुप्रीम कोर्ट या फिर इन इन केस यू कैन से जुडिशरी ठीक है ये डिसाइड करेगा कि क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट की और क्या चीज नहीं की और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं ये डिसाइड कौन करेगा जुडिशरी डिसाइड करेगा इट हैज अ पावर फिर ये जो रूलिंग के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं 1973 में केसवा नंद भारती केस की रूलिंग आ गई थी ओके okay? बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट था uh, अब तक के डिकेट्स में ये जो जजमेंट है किसवानंद भारती केस का इसके इंटरप्रिटेशंस ने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही हद तक हमारे जो डिसीजन है इसके इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे लिए गए और मैं आपको बता दूं कि जो भी मॉडर्न नेशंस हैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वहाँ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी इवॉल्व होती है और ये चलती भी है ठीक है जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना इट इज़ इट्स सेल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि हमने क्या बोला था लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि चीज़ें इवॉल्व होती हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर भी इवॉल्व ही हुआ है कैसे इवॉल्व हुआ है जुडिशियल इंटरप्रटेशन के थ्रू जुडिशरी ने अपने इंटरप्रटेशन्स के थ्रू ये सारे चीज़ें दी हैं एंड जुडिशरी और उसकी जो इंटरप्रटिशंस है उसने प्रैक्टिकली अमेंड किया है कॉन्स्टिट्यूशन को विदाउट द फॉर्मल अमेंडमेंट है ना ये इसके लिए जुडिशरी ने कोई अमेंडमेंट तो लाया नहीं लेकिन भी तब भी इसने पार्लियामेंट पे कुछ पावर्स रिस्ट्रिक्ट कर दी है ना तो दैट इज वी कैन से इट लिविंग डॉक्यूमेंट अब लिविंग डॉक्यूमेंट की बात करें तो कैसे इवॉल्व होती है डिबेट्स से आर्ग्यूमेंट से कंपटीशन से पॉलिटिकल पार्टीज से पॉलिटिकल प्रैक्टिस से 1973 से कोर्ट्स हैज सो मैनी केसिज एंड देव एलबरेटेड अपॉन द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की है उसने एक बैलेंस बनाया रिजिडिटी और फ्लैक्बिलिटी के बीच में है ना यानी कि ये एक सेट ऑफ बार्स है कि इसके ऊपर आप कुछ नहीं बना सकते इसके आगे यानी कि यू कैन से इसके अलावा जो भी प्रिंसिपल्स हैं इस पर आप चेंजेस लेकर आ सकते हो है ना यानी कि कुछ चीज़ें अलाउ कर रहा है और कुछ चीज़ें अलाउ नहीं भी कर रहा है ये भी आपको याद रखना है सो देर इज गिवन रिव्यू ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन सो इन द लेट नाइन्टीज़ एफर्ट्स वर मेड टू रिव्यू द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन है ना नाइन्टीज़ के वक्त पे क्या चल रहा था लेट नाइन्टीज़ के वक्त पे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से रिव्यू करने की प्रैक्टिस चल रही थी 2000 में क्या हुआ एक कमीशन रखी गई टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इस कमीशन को अपॉइंट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और चेयरमैन थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस वेंकट चलिया अपोजिशन पार्टीज़ और जो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने ये कमीशन को बाइकआउट किया और इससे बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी सराउंड की इस कमीशन के खिलाफ

देखिए बहुत से एग्जाम्पल आपको देखने मिलेंगे जुडिशल इंटरप्रटेशन के और हमारी जुडिशल इंटरप्रटेशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग भी इवॉल्व हुई है और चेंज भी हुई है बहुत से डिसजन्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं जैसे कि रेजर्वेशन्स uh, के लिए रेजर्वेशन जॉब्स में होनी चाहिए और स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रेजर्वेशन की बात की जा रही है उसको फिफ्टी uh, परसेंट से क्या है ज़्यादा नहीं करना है टोटल सीट्स के तो ये सारे ना इंटरप्रिटेशन है देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है कि हाँ आपको इन सोसाइटीज़ के लिए एजुकेशन के लिए और इन पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए कुछ स्टेप्स लेने हैं इन ऑर्डर टू मेक दैम इक्वल राइट तो बट इंटरप्रिटेशन का काम किसने किया यहाँ पर जुडिशरी नहीं है और ये कुछ सेट बार की बार सेट किए कि भाई आप क्या करो आप 50 परसेंट से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोज कोई ए स्टेट है ठीक है ए स्टेट्स में एस सी पॉपुलेशन है नाइन्टी परसेंट फाइन सो अब ये ए स्टेट है पॉलिटिकल पौल, पार्टी अपने कैंपेन में बोले कि भाई मैं आपको हंड्रेड परसेंट सीट्स दूंगा अगर आप हमें वोट दोगे तो तो फिर ये टेन परसेंट्स क्या आ जाएंगे माइनॉरिटी पे आ जाएंगे और टेन परसेंट्स का लॉस हो जाएगा फिर डेमोक्रेसी कैसे रही सो so, इस तरह की जो प्रैक्टिसज हैं इनको इरेज करने के लिए ये सारे डिसीजनस लिए गए अब ये एक्सेप्टेड प्रिंसिपल बन चुका है ऑल्सो सिमिलरली इन द केस ऑफ़ एवॉल्विंग ऑफ द रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लास सुप्रीम कोर्ट्स ने एक आइडिया दिया था क्रीमी लेयर का है ना कि जो भी पर्सन एक क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है यानी कि uh, सपोज ये ओ बी सीज हैं है ना ओ बी सीज में क्रीमी लेयर यानी कि एक इनकम लेवल अगर आप अटेंड कर लेते हो तो आप इसके बेनिफिट्स नहीं ले सकते इस इनकम लेवल के नीचे हो तो आप बेनिफिट्स अटेन कर सकते हो है ना तो ये भी कंसेप्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने इन द सेम वेनर जुडिशरी है कॉन्ट्रीब्यूट किया बहुत सारे इनफॉर्मल अमेंडमेंट में बाई इंटरप्रिटेशंस है ना uh, जैसे कि राइट टू एजुकेशन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये तो सबसे इम्पॉटेंट डिसीजनस हैं सुप्रीम कोर्ट के राइट टू इन्फॉर्म एंड मैनेज द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो ये सारे इंटरप्रिटेशन है जुडिशरी के जिसने जुडिशरी ने इनफॉर्मली अमेंडमेंट किए हैं एंड दीज इंस्टांसिज हाउ एवर शोड हाउ द रूलिंग ऑफ द कोर्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द कोर्ट्स आर नॉट द पार्सल एंड देखो कोर्ट्स को जुडिशरी को कोई पावर नहीं दिया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का या फिर उसके लिए पावर बनाने का क्योंकि वो सिर्फ पावर किसके पास है पीपल के हाथ में है लोग क्या करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्शंस करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े करते हैं और वो उनके बिहाफ में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते हैं या फिर एवर इट इज बट जुडिशरी डज नॉट हैव द पावर बट स्टिल थ्रू द इंटरप्रिटेशन जुडिशरी इज एक्टिंग एज अ मेजर रोल प्लेयर इन टर्म्स ऑफ द अमेंडमेंट्स एज वेल सब आप कहेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर तो बताया नहीं So, the case, basic structure. main basic things like supremacy of the Constitution, unity and sovereignty of India, democratic republican form of government, federal character of the Constitution, secular character, separation of power, individual freedom, rule of law, judicial review, parliamentary system, rule of equality, harmony of balance between the DPSP and the uh, fundamental rights, fair and free elections, uh, limited power of Parliament to amend the constitutions, and बहुत uh, आर्टिकल्स so, ये बेसिक स्ट्रक्चर है भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इनको आप चेंज नहीं कर सकते ये बेसिस हैं ठीक है सो दिस इज आउट इज सो आज का सेशन हो गया आज के सेशन में हमने पढ़ा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कैसे इवॉल्व हुआ इन द नेक्स्ट सेशन हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट दिस विल बी फिनिश्ड बाय द नेक्स्ट चैप्टर राइट सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन इफ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स ऑल्सो यू कैन डाउनलोड द स्प्रेंट यू ऐप टू प्रैक्टिस बुस चैप्टर और टॉपिक वाइज रिमेंबर कैंडिडेट्स जस्ट रीडिंग बुक्स और वॉचिंग वीडियोज़ वट है अनलेस यू प्रैक्टिस हरीली आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स एंड वर्क टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस एंड स्प्रिंट यू पी पी पैस इज अ परफेक्ट एप टू डू ऑल ऑफ दिस अगर आपको ये वीडियो पंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यू पी एस सी एप यहाँ पर आप अपनी बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं चैप्टर इन टॉपिक वाइज देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे सो so, अपने मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच